बेस्ट लैपटॉप इन 2021। तो यार अगर आप 2021 में लाइक लैपटॉप सर्च कर रहे हो एंड अगर आपका बजट 50,000 है कोई भी कैटेगरी आपकी है तो सभी के लिए मैं आपको बताऊंगा। तो बात करते हैं सीधा नंबर फोर की। नंबर फोर की बात करते हैं, लेकिन नंबर फोर की बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं जितने भी आपको लैपटॉप बताऊंगा वो सभी सबसे पहले भी अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, आर्किटेक्चर हो, उसके बाद भाई अगर आपको बिजनेस के रिलेटेड चाहिए प्लस भी अगर आपको ट्रैवलिंग के रिलेटेड चाहिए, मतलब 2021 में जो लैपटॉप आपको बेस्ट डील मिल रहे हैं मैं वही लैपटॉप आपको बताने वाला हूँ। तो बात करते हैं सीधा नंबर फोर की। नंबर फोर की बात करूँ, नंबर फोर पर यार मैंने रखा है MI नोटबुक हॉरिजन को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये लैपटॉप आपको 51,000 के बजट में देखने को मिल जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता मैं इस बजट रेंज में इस लैपटॉप को ना रखूं, बिकॉज इसके दो रीजन देखने को मिलते हैं कि आपको बिल्ड क्वालिटी एंड उसके साथ साथ स्पेसिफिकेशन बहुत तगड़े मिल जाते हैं। एक इसका माइनस पॉइंट भी देखने को मिलता है जो कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बात, आपको 14 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि एंटी ग्लेयर डिस्प्ले। प्रोसेसर की बात को i5 10th जनरेशन के साथ मिलता है। स्टोरेज की बात करूं, आपको 8GB रैम मिल जाती है प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूं, NVIDIA MX3502GB देखने को मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, आपको विंडोज 10 देखने को मिल जाती है प्लस भाई बैटरी की बात करूं, आपको 10 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बात करूं, आपको 51,000 के बजट में MI नोटबुक हॉरिजन देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दी है MI नोटबुक हॉरिजन के। अभी बात करते हैं कि ये लैपटॉप किन लोगों को लेना चाहिए। तो मैंने आपको पहले ही रिपीट कर दिया, अगर आप ट्रैवलिंग वीडियोस करते हो, अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, फोटो एडिटिंग करनी है, आपके लिए भी बेस्ट डील है। प्लस अगर आपको बिजनेस के लिए चाहिए, प्लस अगर आपको ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, अकाउंटिंग करते हो, MS ऑफिस पे काम करना है, जो कोई भी लोडेड फाइल पे काम करना है, आपके लिए भी बेस्ट डील होने वाला है। प्लस भाई अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, उसके बाद अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लगाते हो, ऑफलाइन क्लासेस लगाते हो, प्लस अगर आपने गेमिंग वगैरह भी करनी है, आप इस लैपटॉप पे कर सकोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। प्लस इसके साथ आपको HD वेब कैमरा भी फ्री देखने को मिल जाता है। अभी बात करते हैं इसके माइनस पॉइंट की। इसके माइनस पॉइंट की बात करूँ, आपको 8GB रैम तो मिल जाती है लेकिन आपको अपग्रेड करने का मतलब ऑप्शन नहीं मिलता, 12GB तक भी नहीं देखने को मिलता। अगर वो चीज़ मिलती ना तो भाई मैं इस लैपटॉप को नंबर टू पर या नंबर वन पर ही रखता, बिकॉज स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, बिल्ड क्वालिटी के अकॉर्डिंग, प्लस भी अगर आपका कोई काम ऐसा है कि आपको टाइपिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, डाटा एंट्रीज वगैरह करते हो, आपके लिए भी परफेक्ट डील होने वाला है। तो आप जा सकते हो MI नोटबुक हॉरिजन की ओर, आप देख लेना। बस आप इस चीज़ को ध्यान में रखना कि आपको 8GB रैम मिल जाती है लेकिन आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं मिलता। आगे बात करते हैं अभी नंबर थ्री की। नंबर थ्री की बात करूँ, नंबर थ्री पर यार मैंने रखा है Acer Inspire 5 को। तो सबसे पहले भाई मैं आपको कह देना चाहता हूँ, अगर आपका बजट 50,000 से भी कम है तो आप इस लैपटॉप की ओर जा सकते हो। ये लैपटॉप आपको 45,000 से लेके आपको 50,000 के बजट तक देखने को मिल जाता है। लाइक इसका बजट कम भी देखने को मिल जाता है कई बार, हमेशा नहीं होता, लेकिन मैंने लिंक प्रोवाइड किया, आप चेकआउट कर लेना। अगर आपको सही प्राइस में मिलता है तो आप इसके ओर जा सकते हो। लैपटॉप पूरा लोडेड मिल जाता है। बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की, थोड़ा सा डीपली आपको पता चल जाएगा। तो यार डिस्प्ले की बात करूँ, 14 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि IPS पैनल डिस्प्ले, जो कि 16 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलेगी। तो 16 रिफ्रेश रेट एवरेज डिस्प्ले होता है, इतना तगड़ा भी नहीं होता, मतलब आप इतने प्राइस रेंज में इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि आपको 144 रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको i5 10th जनरेशन के साथ मिलता है। स्टोरेज की बात करूँ, 8GB रैम मिल जाती है, एक्सपेंडेबल करने का ऑप्शन मिलता है, आप 16GB तक कर सकते हो, प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ, NVIDIA GeForce MX350 देखने को मिल जाता है, वो भी 2GB के साथ आता है देखने को, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी की बातों को 8 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बात करूँ, आपको 45,000 से लेकर 50,000 के बजट में Acer Inspire 5 देखने को मिल जाएगा। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Acer Inspire 5 के भी। अगर आपने गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, 4K वगैरह भी अगर ट्राई करना है आप कर सकते हो, अगर आपने कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है आप कर सकते हो। बस आपने इतने ध्यान में रखना है कि आपने जो रैम है उसको अपग्रेड कर लेना। अगर आपको 8GB देखने को मिलती है, आपने 16GB तक चल जाना, मिनिमम 16GB तक आपने चल जाना, आपका जो सॉफ्टवेयर वगैरह है वो बहुत ईजी चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम इशू आपको नहीं आने वाला। अभी आगे बात करते हैं नंबर टू की। तो अभी बात करते हैं नंबर टू की, लेकिन बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नंबर टू एंड नंबर वन मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, बिकॉज दोनों ही एक ही ब्रांड से आपको देखने को मिलते हैं। मैं बात कर रहा हूं Acer Inspire 7 की एंड मैं बात कर रहा हूं Acer Nitro 5 की। तो सबसे पहले मैं आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर कर देता हूं। लाइक अगर आपको गेमिंग डिजाइन नहीं चाहिए तो आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है Acer Inspire 7, लेकिन अगर आपको गेमिंग डिजाइन से फर्क नहीं पड़ता तो Acer Nitro 5 आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। अगर आपने गेमिंग करनी है, उसके बाद अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, ट्रैवलिंग के लिए चाहिए, अगर आपको कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज करना है, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, 4K वगैरह ट्राई करना चाहते हो, आपके लिए भी बहुत सही डील होने वाली है। तो आप जा सकते हो Acer Nitro 5 की। और अगर आपको गेमिंग डिजाइन नहीं चाहिए, Acer Inspire 7
आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है, आप चेकआउट कर लेना, लिंक वगैरह मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। मैं दोनों के मेन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेता हूँ। तो यार डिस्प्ले की बातों को 15.6 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 16 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। प्रोसेसर की बातों को i5 9th जनरेशन के साथ मिलेगा। स्टोरेज की बातों को 8GB रैम मिल जाती है, प्लस आप अपग्रेड कर सकते हो 32GB तक, प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बातों को GTX 16504GB मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ आपको विंडो 10 मिल जाती है, प्लस आपको फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात करूँ आपको 7 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बात करूँ इसका प्राइस आपको 54,000 के बजट में देखने को मिलेगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Acer Inspire 7 के। अभी बात करते हैं Acer Nitro 5 की। तो डिस्प्ले की बातों को 15.6 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि IPS पैनल डिस्प्ले जो कि 16 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। प्रोसेसर की बातों को AMD Ryzen 5 देखने को मिलेगा। स्टोरेज की बातों को 8GB रैम मिल जाती है, अपग्रेड आप कर सकते हो 32GB तक, प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ आपको GTX 16504GB मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी की बातों को 6 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देते हैं। प्राइस की बात करूँ इसका प्राइस आपको 57,000 के बजट में देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको दोनों ही लैपटॉप्स के बता दिए। तो प्लस मैं आपको कह देना चाहता हूँ जो Acer Nitro 5 है या Acer Inspire 7 है इनका प्राइस इंक्रीज हो जाता है, 50,000 से अपर चल जाते हैं। लेकिन भी अगर आप एक्स्ट्रा पे कर सकते हो आपके लिए बहुत तगड़े होने वाले। मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ अगर आपका बजट 50,000 है, 50,000 के अपर भी अगर आप जा सकते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे कर सकते हो, तो Acer Nitro 5 आप उसके और जा सकते हो। लॉन्ग टाइम पीरियड अगर आपने यूज़ करना है, कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, 4K में वीडियो ट्राई करनी है, अगर आपने गेमिंग करनी है, या अगर आपने कोई भी मतलब कोई भी लोडेड फाइल पे काम वगैरह भी करना है, आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। एंड अगर आपका बजट 50,000 से भी कम है तो Acer Inspire 5 आपके लिए बेस्ट डील हो सकती है। तो मैंने यार आपको बता दिया, जो भी आप इनमें से लेना चाहते हो आप ले सकते हो। सभी के बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। प्लस अगर आपका बजट 40,000 है, 30,000 है, अगर आपका बजट 20,000 तक भी है, मैंने उनकी भी वीडियो की है मेरे चैनल पे, आपको देखने को मिल जाएगी, उसको चेकआउट कर लेना, आपके लिए बेस्ट होने वाली है। अगर आपका बजट कम है, प्लस अगर आपका बजट और भी इंक्रीज हो सकता है 60,000, 70,000, 80,000, मतलब 2,00,000 तक भी अगर आपका बजट हो जाता है, भी मैंने उनकी भी वीडियो की है मेरे चैनल पे, आपको देखने को मिल जाएगी। कोई भी आपकी कैटेगरीज है, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, स्टूडेंट हो, ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, गेमिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, कोडिंग करनी है, आर्किटेक्चर हो, या कोई भी आपने कोई भी लोडेड फाइल पे काम करना है, आप सभी के लिए मैंने पहले ही वीडियोस की हुई हैं। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी यार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना ये चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, एंड इंस्टाग्राम पे कर ले फॉलो। लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चालू कर लेना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।